हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विकास कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीके लर्निंग में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 संस्कृत का ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। यह दोस्तों जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में 50 मार्क्स का जो संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो आज हम उसी का ऑल चैप्टर का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आइए हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 मंगलम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सत्यस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा हिरण्यमेन पात्रेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूषा कस्मौ सत्यस्य मुखम अपावृणुयात। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य धर्माय। फिर है, कह महतो महियान अस्ति, मतलब कौन महीन से भी महीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा या ब्रह्मा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किम जयते, मतलब क्या जीतता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवयान पंथ वितः अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य धर्मा या नेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नद्या के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छति। तो इसका आंसर हो जाएगा नाम रूप विहाय, मतलब नाम रूप को छोड़कर, मतलब इसका हिंदी हो जाएगा नदी क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है या समुद्र को चली जाती है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधक पुरुषम विदित्वा कम अत्येति। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्युम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिरण्यमेन पात्रेन कस्य मुखम अपिहितम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सत्यस्य, मतलब हिरण का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यास। फिर है, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ति। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पात्रेन। फिर है, अनु अनियान कह, मतलब अनु से भी अनु क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा या ब्रह्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह नाप नाम रूपज विहाय समुद्रे अस्तम गच्छति। तो इसका आंसर हो जाएगा नद्या। तो आइए दोस्तों, अब हम चैप्टर 2 में चलते हैं। चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव। हम तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कुटनिम काव्यस्य रचनाकार कह। तो इसका आंसर हो जाएगा दमोदर गुप्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पाटलिपुत्रम कस्य नद्य तीरे अवस्थितम, मतलब पाटलिपुत्र जो है कौन सा नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्थी संपन्नम अस्ति या आसीत, मतलब किसके काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था संपन्न हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरस्य पालिका देवी का आसीत। तो इसका आंसर हो जाएगा पटन देवी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सेतु कुत्र अस्ति। तो गांधी सेतु कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगरे। यहाँ दोस्तों जो कि संस्कृत का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आपका एग्जाम में 50 से 50 नंबर आ सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्र अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार प्रदेश से, मतलब बिहार प्रदेश का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस नगरस्य नाम किम, मतलब बुद्ध काल के समय पटना का नाम क्या था। तो बुद्ध काल के समय जो है पटना का नाम था पाटलिग्राम। आइए दोस्तों, अब हम चैप्टर 3 के और चलते हैं। चैप्टर 3 जिसका चैप्टर का नाम है अलस कथा। तो आइए अब हम इसका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है, अलस कथा कथाकार का अस्ति, मतलब अलस कथा का जो कथाकार क्या कौन है, या फिर इसका मतलब रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति, जो कि बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, बृहस्वरो नाम मंत्री कुत्रासी। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिलाया, मतलब बृहस्वर नाम का मंत्री कहाँ था।
तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला, मतलब मिथिला में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशम इष्टलाभम दृष्टवा तंडु परिमिर्जा वर्तली भू वह, तो इसका आंसर हो जाएगा अलसानम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, के कृतिर्मालस्य दर्शित्वा भोजनम गृहन्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता, तो इसका आंसर हो जाएगा चत्वारे। फिर आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अग्नि दृष्टवा के पलायता, तो इसका आंसर हो जाएगा धूर्ता, मतलब अग्नि को देखकर कौन भाग गया, तो इसका आंसर हो जाएगा धूर्त लोग, मतलब धूर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिलायाम कह मंत्री आसीत, मतलब मिथिलायाम कह मंत्री आसीत, मतलब मिथिला का मंत्री कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहेश्वर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक पुरुष किम ओवदत, मतलब एक पुरुष ने क्या कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा अहो कथमयम कोलाहल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूर्ता कथम पलायता, मतलब धूर्त लोग क्या देखकर भाग गए, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि भयात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति कह आसीत, तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। दोस्तों यहाँ तक था पार्ट 3 का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जो चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो देखते हैं, तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो आइए अब हम इसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कस्मिन युगे मंत्राणाम दर्शक न केवला ऋषिया प्रयुक्त ऋषिक अपि सन्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक युग, मतलब वैदिक युग में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागम्भृणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यते, तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्व वेदे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यज्ञवल्क्यस्य पत्नी का आसीत, तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेयी। फिर कस्य सभायां शस्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकिन्वी तिष्ठति अस्मे, तो इसका आंसर हो जाएगा जनकस्य, मतलब जनक का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखते हैं, कस्य सभायां शस्त्रा कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति अस्मे, तो इसका आंसर हो जाएगा जनकस्य। फिर है लौकिक संस्कृत साहित्य कियतीनाम कवित्रीनाम वर्णनम लभ्यते, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्वा दिशत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रादित्यस्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्त्रार्थ कुशला का आसीत, तो शस्त्रार्थ कुशला का आसीत, तो इसका आंसर हो जाएगा गार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, कंपनस्य राज्ञी का आसीत, इसका आंसर हो जाएगा गंगा देवी। दोस्तों यहां तक था चैप्टर नंबर 4 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 5। तो आइए दोस्तों अब हम चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है भारत माता। तो अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देवा कानी गायंती, मतलब देव क्या गाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गीतम। फिर है जनह क्रीदसम जनम लब्धम, तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुंद सेवो पथिकम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाला धारा का, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीया, मतलब विशाल धारा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का या कौन है। फिर है जगत गौरवम किम वर्तते, तो जगत का गौरव क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेसाम जनानाम कम भवेत, तो इसका आंसर हो जाएगा देशभक्ति। फिर अस्माकम भारतीया धरा क्रीदसी आसीत, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाला। फिर है के वारम भारते जन्म गृहंती, तो इसका आंसर हो जाएगा देव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूमि क्रीदसी अस्ति, मतलब भारत की भूमि कैसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाला। दोस्तों यहां तक था
क्लास 10 संस्कृत चैप्टर नंबर 5 का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 8 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे बुक में। तो आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है भारतीय संस्कार है। तो दोस्तों आइए अब हम इसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति परिचय के भय जयते। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कार भय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक संस्कार कति संति। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, मतलब शिक्षा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कार विधीयते। तो इसका आंसर हो जाएगा विवाहे। फिर है, भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उत्पादनम किम। तो इसका आंसर होगा संस्कार है। फिर है, सीमांतो नैनम केसु संस्कारेषु गण्यते। तो सीमांतो नैन जो संस्कार होता है वो जन्म से पूर्व का संस्कार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कारेषु। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अन्न प्रशासनम केसु संस्कारेषु गण्यते। तो इसका आंसर हो जाएगा शैशव संस्कारेषु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरु गृह शिष्य कौन पालियात अध्ययनम करोति। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा नियमात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, संस्कार मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। तो मतलब संस्कार मानव का कौन कौन सा योगदान करवाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा परिमार्जनम, दोषाप नयनेन गुणाधाने चो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा मरना दत्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति यस्मै। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गृह या गुरुकुले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शैशवे कति संस्कार भवति। तो शैशवे कति संस्कार भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, मतलब 16। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 6, प्राचीन काले शिष्य किम कथ्यते। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचारी कथ्यते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कति संस्कार भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा 16, मतलब 16, मतलब कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक था चैप्टर नंबर 6 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए अब हम चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 का नाम है नीति श्लोक। तो आइए अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, केशम तत्वज्ञ पंडित उच्यते। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वभूतानाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अनाहुत कह प्रविशति, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, बहुत बार आगे भी आ सकता है। इसका आंसर हो जाएगा नराधम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, धर्म केन रक्षते। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा कम हंति। इसका आंसर हो जाएगा क्रोधम। फिर है, खुशवाहा का सुखवाहा का सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा अहिंसक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मन। फिर है, केन सत्य दोषा हताव्य। इसका आंसर हो जाएगा भूमि मिच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एव धर्म किम कथ्यते। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षमा एक एव धर्म कथ्यते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अनाहुत कह प्रविशति। तो इसका आंसर हो जाएगा नराधम अनाहुत प्रविशति। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, कस्य मोहम भयंकर भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा संसार मोह भयंकर भवति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, स्त्रियां
गृहस्य कम उक्ता संति, तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रिय गृहस्य श्रियो उक्ता संति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलम केन रक्षते, तो इसका आंसर होगा कुलम वृत्तेन रक्षते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या केन रक्षते, तो इसका आंसर होगा विद्या योगेन रक्षते। फिर है विदुर कह आसीत, तो विदुर जो है धृतराष्ट्र महामंत्री विदुर आसीत। दोस्तों यहां तक था चैप्टर नंबर 7 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निधि श्लोक है। अब आइए चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 का जो नाम है वह है कर्मवीर कथा। तो आइए अब हम इसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो एक नंबर क्वेश्चन, राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति या आसी, तो इसका आंसर हो जाएगा भिखन टोला, मतलब राम प्रवेश राय का ग्राम का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा भिखन टोला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भिखन टोला दृष्टवा कह आगत है, मतलब भिखन टोला देखने के लिए कौन आए, तो इसका आंसर होगा शिक्षक है, मतलब शिक्षक आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बालक कस्य शिक्षण शैला कृष्ट, इसका आंसर हो जाएगा तस्य शिक्षकस्य, तस्य या शिक्षकस्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नातक परीक्षायां प्रथम स्थानम प्राप्त कस्य ख्यातिम वर्धत्यात, इसका आंसर हो जाएगा स्व महाविद्यालय से। फिर है औद्योगिनम पुरुष सिंह का उपौती, इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है किम लभते, इसका आंसर हो जाएगा महत पदम लभते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, आचारम किम लभे, तो इसका आंसर हो जाएगा आचारम आयु लभे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भिखन टोला ग्राम कुत्र आसीत, तो भिखन टोला ग्राम बिहारस्य दुर्गम प्राय प्रांत अस्ति। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्मवीर कह अस्ति, तो कर्मवीर राम प्रवेश राम अस्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते, तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्व प्रांते केंद्र प्रशासने चो दृष्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षायाम कह प्रविशति, तो कक्षायाम अध्यापक प्रविशति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा कम बोध्यति, तो शिक्षा उच्चारण प्रतिक्रिया बोध्यति। दोस्तों यहां तक था चैप्टर नंबर 8 कर्मवीर कथा का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। अब आइए चैप्टर नंबर 9 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है स्वामी दयानंद है, मतलब अब हम स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव। तो आइए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रान्ते अभवत्, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात प्रान्ते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश कस्य रचना अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंदस्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाजस्य स्थापना कदा अभवत्, तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी वर्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्वामी दयानंद कह, तो स्वामी दयानंद कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाजस्य संस्थापक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य प्रचारम दयानंद अकरोत, इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजस्य शिक्षायाम उद्धारक कह अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद कह आसीत, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाजस्य संस्थापक आसीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है स्वामिन दयानंद जन्म कुत्र अभवत, तो स्वामी दयानंदस्य जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकार नाम कस्य ग्रामे अभवत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद कह आसीत,
तो स्वामी दयानंद समाज सुधारक आसीत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि जागरणम विहाय मूल संकर कुत्र गतः, तो इसका आंसर हो जाएगा रात्रि जागरणम विहाय मूल संकर गृहम गतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सत्यार्थ प्रकाश कस्य रचना अस्ति, तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद से रचना अस्ति। दोस्तों यहाँ तक था चैप्टर नंबर 9 का ऑब्जेक्टिव का बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन। आइए अब हम चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10, तो चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है मंदाकिनी वर्णम, तो आइए अब हम इसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवाहति, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रकूटस्य। फिर है नृत्यति इव कह प्रतिभाति, तो इसका आंसर होगा पर्वत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, संप्रत कै पितानी जलानी कलु पितानी, तो इसका आंसर हो जाएगा मृग यूथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्ध वाधव के संति, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, विशालाक्षी इति कस्य कृते संबोधनम, तो इसका आंसर हो जाएगा सीतया कृते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कौम मंदाकिनी नदी दर्शति, तो इसका आंसर हो जाएगा सीताम। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो इसका आंसर क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, हंस सार ससेवित विचित्र पुलिना चोका, तो इसका आंसर हो जाएगा हंस सार सेविता विचित्र पुलिना चो मंदाकिनिया अस्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मंदाकिनी वर्णस्य रचिता कह, तो मंदाकिनी वर्णस्य रचिता महर्षि वाल्मीकि अस्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनियः कम उपतिष्ठतेन, तो इसका आंसर हो जाएगा मुनियः ऊर्ध वाधव नियमात आदित्यम उपतिष्ठन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सुभागिरम के निष्कुजंती, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभागिर द्विजा निष्कुजंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी कस्य पर्वत से निकटे प्रवाहति, तो इसका आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी चित्रकूट से निकटे प्रवाहति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णन कुत्र संगीत संग्रहितम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा मंदाकिनी वर्णनम वाल्मीकि रामायणात संकलितम। दोस्तों यहां तक था चैप्टर नंबर 10 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 11, तो चैप्टर नंबर 11 का जो नाम है वह व्याघ्र प्रतीक कथा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते, मतलब वृद्ध व्याघ्र कहाँ बैठे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती तीरे या सरस तीरे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, कह लोभा कृष्टा ओ भवत, तो इसका आंसर हो जाएगा पथि कह। फिर है, कह स्वर्ण कंगनम दातुम इच्छति अस्मै, तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्ध व्याघ्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह स्नान शील दातम गलित नख दंत चो आसीत, तो इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्र। फिर है, कह वंशहीन आसीत, तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्ध व्याघ्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह परे ओ पत, तो इसका आंसर हो जाएगा पथि कह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्र तव कंगनम इति कह ओ वदत, तो इसका आंसर हो जाएगा पथि कह ओ वदत। पथिकः ओवदत् कुत्र तव कंगनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याघ्र किम दृश्य त्रिदशा आसीत, मतलब व्याघ्र कौन सी दशा में था, तो इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्र वृद्ध गलित नख दंत आसीत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याघ्रेन कौनि अधितानि, तो इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्रेन धर्म शास्त्राणि अधितानि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्य पुत्रा दर्श दास्य
मृता, तो इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्रस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौनशिला कह आसित, तो इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्र दौनशिला आसित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह स्नात कुश हस्ताम सरस्तीरे बुरुते, तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्ध व्याघ्र स्नात कुश हस्ता सरस्तीरे बुरुते। तो दोस्तों यहाँ तक था चैप्टर नंबर 11 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 12 का ऑब्जेक्टिव। तो चैप्टर नंबर 12 है कर्णस्य दानवीरता, तो आइए अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ततः कह ब्राह्मण रूपेण प्रविशति, तो इसका आंसर हो जाएगा शक्र। फिर है महतराम काम याचे, तो इसका आंसर हो जाएगा भिक्षाम। फिर है मुहूर्त कह किम पिवामी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षीरम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभ सुब्रद मूला के निपतंती, तो इसका आंसर हो जाएगा पादपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल स्थान गतम किम सुष्यति, तो इसका आंसर हो जाएगा जलम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण प्रथम किम दातुम इच्छति असमय, तो इसका आंसर हो जाएगा गो हस्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य काल पर्यायात कह क्षयम गच्छन्ति गच्छति, तो इसका आंसर हो जाएगा काल पर्यायात शिक्षा क्षयम गच्छति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण कस्य देशस्य राजा आसीत, तो इसका आंसर हो जाएगा अंग देशस्य। फिर है किम तथैव तिष्ठति, तो इसका आंसर हो जाएगा दातम हुतम तथैव तिष्ठति। फिर है कर्ण कस्य पुत्र आसीत, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंती पुत्र। फिर है अंग देशस्य राजा का आसीत, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ण। तो आइए दोस्तों अब हम चैप्टर नंबर 13 का सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 16 है विश्व शांति। तो आइए अब हम इसका देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षायाम कह प्रविशति, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षायाम। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, के सादर मुक्त्या तस्य भिवादनम कुर्वन्ती, तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रा। फिर है वेदस्य कति अंग्रानी भवंती, तो इसका आंसर हो जाएगा सत। फिर शिक्षाओं का बोध्यति, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चारणम प्रक्रिया। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनाम कृतम किम प्रसिद्धम, तो इसका आंसर हो जाएगा व्याकरणम। फिर है शत्रु राज्यानि किम वर्धयन्ति, इसका आंसर हो जाएगा कलहम। फिर है अनेकेशु राज्येषु परस्परम किम प्रचलति, क्रिम किम प्रचलति, तो इसका आंसर हो जाएगा शीत युद्धम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैरेन कस्य समनम असंभव, तो इसका आंसर हो जाएगा वैरस। फिर है क्रिया बिना किम भारम, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानम, मतलब क्रिया के बिना क्या भारी है, तो ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह बलपूर्वक निवारणीय, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वार्थोपदेश। फिर है असहन असहिष्णुताम कह जनयति, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वेष है। दोस्तों यहाँ तक था चैप्टर नंबर 13 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। अब हम चैप्टर नंबर 14 का देखते हैं, जो कि लास्ट चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 14 है शस्त्र कार्य, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षायाम कह प्रविशति, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षायाम। ये दो क्वेश्चन पीछे वाला ही इसमें लिखा गया। फिर यहां से देखते हैं, केन कृतः व्याकरणम प्रसिद्धम, तो इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि कृतम। फिर है कपिलः कस्य दर्शनस्य प्रवर्तकः आसीत, तो इसका आंसर हो जाएगा संख्य दर्शनस्य। फिर है शस्त्रार्थ किम अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा शस्त्र ज्ञानस्य शासकम अस्ति। फिर है कक्षायाम कह प्रविशति, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक है। दोस्तों यहाँ तक था क्लास 10 संस्कृत का ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें,
ताकि ताकि और भी कोई छात्र इस